जिसे जानकर नासा तो दंग हो ही गया, आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और विशेष पर्वत माना गया है। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं। हजारों लोग श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत के दर्शन करने और परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। और माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही कैलाश पर्वत में बहुत से रहस्य छुपे हैं। चलो जानते हैं कैलाश पर्वत कैसे अजय पर्वत जाना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। वही माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत पर किसी ने चढ़ने की कोशिश ही नहीं की, इस पर चढ़ने की बहुत से पर्वतारोहियों ने कोशिश की, परंतु आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के बहुत से पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। लेकिन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक मौसम बदलने लगता है और तेज बारिश होने लगती है, रास्ता आगे का अपने आप गायब हो जाता है। पर्वत दोस्तों, कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाई के चलते ही नहीं बल्कि अपने आकार और रहस्यमय विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना गया है, जहां सभी दिशाएं आकर मिलती है। ऐसे में यहां दिशा सूचक यंत्र कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाते। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर बहुत सी अलौकिक शक्तियों का यहाँ पर योग मुद्रा में रहती है, जिसे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र ठीक से काम नहीं कर पाते। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब सी रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिसे यहाँ आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा भी कर चुके हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती रहती है और खुद को संरक्षित करती है, और इस बात से इस जग को रहस्यमय बनाती है। वो है यहाँ पर दिखने वाली येति यानी कि हिममानव, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। दोस्तों, कैलाश का रहस्य यह भी है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ता है, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय इतनी गति से तेज हो जाता है कि वहाँ पर समय बहुत जल्दी से बीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप पर कोई उस पर चढ़ ही नहीं पाया तो यह कैसे माना जा सकता है कि समय तेजी से चलता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप जाने वाले लोगों के द्वारा और कई रिसर्चरों के द्वारा यह पाया गया है, बताया गया है कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार एक साइबेरियन माउंटेन पर्वतारोही उस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि वे एक निश्चित सीमा से पहले ही ऊपर चढ़ गए, परंतु वो सब कुछ दशक बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस वहां से लौटना पड़ा। और एक साल से के अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई।
और इस कहानी को कुछ लोग इस प्रकार भी बताते हैं कि वह लोग काफी ऊपर तक पहुंच गए थे तो अचानक से मौसम खराब हो गया और उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में सबको जान गंवाने पड़े। वैज्ञानिक को अभी तक यह समझ में नहीं आ पाया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पास में दो झीलें मानसरोवर झील और राक्षस झील है। मानसरोवर झील, यह झील 320 स्क्वायर किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। मानसरोवर का अर्थ है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार यह झील बहुत ही पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, ऐसा माना जाता है। मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना गया है। यहीं से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं और पास में ही गौरीकुंड नाम की एक और झील भी है। माना गया है कि गौरीकुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, जो राक्षस ताल नाम से झील है, इसका पानी बहुत ही खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है तो दूसरी तरफ राक्षस झील को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है, मौसम चाहे कैसा भी खराब हो, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, यह एक रहस्य है। इसके विपरीत राक्षस झील जो इसके बिल्कुल पास में है, उसके पानी में शांत मौसम में भी हलचल होती रहती है और लहरें बनती रहती है। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार 3-4 बजे रहस्यमयी रोशनियां देखी गई है। जो कैसे वह रोशनी आती है, गोले बनते हैं, इसका आज तक पता नहीं चल पाया। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने के लिए आते हैं और इस झील के एक क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की आवाज हमेशा सुनाई देती है, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं और किसी के लिए यह बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती रहती है। कैलाश पर्वत भी अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के चलते हुए कभी इसका रंग गोल्डन दिखाई देता है, कभी नीले रंग का, तो कभी दूधिया दिखाई देता है। इसकी चोटी भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती रहती है। इसकी सतह पर बर्फ ऐसे जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर, परंतु तमाम कोशिशों के बाद भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक नहीं पहुंच पाए। 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध जोगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की। मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत हुए थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ तो वहीं टेप भी किया था। कहते हैं मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच भी गए थे। इसके बाद वह विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनके इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये आज भी एक रहस्य ही है। पर्वतारोहियों के असफल रहने पर 2001 में वहां की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कौतूहल का विषय बन गया। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा को कैलाश पर्वत पर फिर से रिसर्च करने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्या उसके ऊपर न ही हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और न ही हवाई जहाज।
पर गूगल द्वारा जो उन्होंने देखा इसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने जो देखा वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। और सुनने में आपको हैरान कर देने वाला यह विषय है, लेकिन यह सच है कि आप हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो पवित्र आचरण के हैं, ना प्यार, ना तपस्या, ना आध्यात्मिक जीवन शैली में हमारे आसपास कोई भी सच्चाई है। हम छल कपट जैसे बेईमान जैसे बनते जा रहे हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के चमत्कार को जान सकते हैं? फिर हम भगवान शिव के रहस्य को जान पाने में कितने सक्षम हैं? दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।